Assalamualaikum everyone, I am Isa Khan Jadoon from Golden Sand Engineering Services. Welcome back to another fresh episode of AutoCAD series. Dear all, in previous lecture, I have discussed about furniture plan, how to download it and then insert them into our house plan. During drawing in AutoCAD, sometimes we have to change our line weight, line color and also line type. So in today's lecture, we will discuss how to change the type of a line, how to change the color of a line, and how to change the weight of a line. So viewers, without wasting any time, let us get right into the AutoCAD screen. Thank you so much. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear all, lecture number 18 ka proper start lete hain. Viewers, AutoCAD mein hum jab drawing kar rahe hote hain ya koi house plan bana rahe hote hain ya kuch bhi drawing kar rahe hote hain, to bahut dafa hamein zarurat pad jati hai kisi line ka color change karne ki, kisi line ki type change karne ki aur kisi line ka weight change karne ki. अब लाइन का कलर चेंज करने का मतलब लाइन का कलर हम इसलिए चेंज करते हैं कि जस्ट एक अच्छी लुक आने के लिए, जिस क्लाइंट के लिए हम वो वर्क कर रहे हैं, हम वो प्लान रेडी कर रहे हैं, तो वो उसे एक एस्थेटिक लुक प्रोवाइड करे, एक ब्यूटीफुल एक अट्रैक्शन हो. उसमें कलर्स का तो काम ही यही होता है कि वो इसलिए हम इसे चेंज करते हैं. सेकेंडली हमारे पास आती है लाइन टाइप. अब लाइन की हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं. लाइन टाइप्स को हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे. मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. स्टेयर केस में हमने देखा था, स्टेयर केस का जो जब हमने स्टडी की थी, लेक्चर नंबर आई थिंक 16 था, सॉरी 15, लेक्चर नंबर 15 में हमने स्टेयर केस देखा. और उसमें जो डाउनवर्ड्स स्टेयर केस थी, जो नीचे की तरफ आने वाली स्टेयर केस थी, उन्हें हमें डॉटेड लाइन से शो किया था. वो हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं. सो इस तरह की कुछ इनके यूजेस हैं. इसके अलावा जो हमारे पास इमेजिनरी लाइंस होती हैं, के जो हमारे पास बीम्स होते हैं या जो कॉलम्स होते हैं, उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम हम हिडन लाइन से शो करते हैं. तो ये होगी लाइन टाइप. इसके बाद एक और चीज़ आती है, वो आती है लाइन वेट. लाइन वेट का मतलब यह है आप अपनी लाइन को कितना डार्क करना चाहते हैं. अब जितनी डार्क होगी वो उतनी ज़्यादा मोस्ट विजिबल होगी. सो इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल हम फ्रीक्वेंटली देख लेते हैं, ताकि जब हम हाउस प्लान रेडी कर रहे हों या सीख रहे हों, तो उसमें हमें इस चीज़ का प्रॉब्लम ना हो कि मैं उस वक्त अगर ये वर्ड यूज़ करूँ कि भाई मैं अब इसका लाइन वेट चेंज करूँगा या लाइन टाइप चेंज करूँगा, तो आप लोगों में से कोई भी परेशान हो कि ये तो हमने स्टडी नहीं किया. सो ये वीडियो आज उसी लिए है. फिर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ लाइन की कमांड देकर कुछ लाइंस बना लेता हूँ. कुछ लाइंस यहाँ पर हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी हैं. व्यूअर्स, अब हम ये चीज़ देखेंगे कि अच्छा, पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैंने यहाँ पर पॉली लाइन का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको पता है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनता, और मेरा ये मकसद था कि मैं इसे एक एक करके इसका कलर चेंज करूँ. ओके, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करते हैं, कलर चेंज करके देखते हैं. मैं क्या करता हूं, मैं अपनी इस लाइन को यहां से सिलेक्ट करता हूं. आप इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ड्रैग करके भी ला सकते हो, या आप सिंपल जूम तरस करके ये जो कर्सर है इसका इस लाइन पर रखकर लेफ्ट क्लिक करके ये सिलेक्ट हो जाएगा. ओके, अब आपके पास स्क्रीन पर तीन ऑप्शन अवेलेबल होते हैं. पहला ऑप्शन आपको हमेशा अपनी ऑटोकैड स्क्रीन पर ही ये नज़र आते हैं. पहला जो ऑप्शन आपके पास आएगा वो होगा व्यूज आपका कलर्स का, आप कलर कौन सा. इसके बाद आपके पास देखें, ये तो सारे बेसिक कलर्स हैं जो हम लोग देखे होते हैं. इसके अलावा जो हमारे पास आगे मोर कलर्स अगर पर क्लिक करें, इंडेक्स कलर, हमारे पास ट्रू कलर्स और कलर बुक बाकायदा अवेलेबल होती हैं. हम चलें एक इंडेक्स कलर से यहाँ से एक रेड टाइप के कलर चेंज चूज़ कर लेते हैं. उसे ओके करके आपने एस्केप प्रेस करना है ताकि आप कमांड से बाहर आ जाएं. ये देखें, आपने कलर चेंज कर दिया. अब जो ये वाली लाइन है इसका भी कलर चेंज करके देखते हैं. इसे हम ऐसा करते हैं, ब्लू कलर दे देते हैं. ओके, अब जो थर्ड वन लाइन है हमारे पास ये वाली, इसका भी कलर ऐसा करते हैं, जाकर ऐसे ट्रू कलर में से कोई चूज़ कर लेते हैं, कोई डार्क कलर हो, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड को आज ब्लैक कर रखा है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये ज़रा सा ओके. एंड जो थर्ड वन कलर है व्यूअर्स, जो फोर्थ वन है उसका कलर भी ऑलमोस्ट येलो टाइप कर देते हैं. ओके, ये तो हमारे पास होगी कि हम AutoCAD में कलर्स किस तरह से चेंज करते हैं, नेक्स्ट व्यूअर्स हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है लाइन की वेट का.
अब देखें लाइन वेट में मेरे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं कि आपने लाइन वेट कौन सी रखनी है, क्या रखनी है। अच्छा, लाइन वेट स्टार्ट होती है हमारे पास 0.0 mm से, ये लाइन और इसकी मतलब इसकी वेट पतली होगी, ये लाइन और पतली होगी 0.05, 0.09, 13, 15, 183, 0, 405, 053, 7080, इस तरह चलते चलते 2.11 mm मैक्सिमम आता है। अच्छा, लाइन वेट सेटिंग्स जो ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर आप जाकर क्या कर सकते हैं, सपोज मैं कहता हूँ कि जो मैं फ्यूचर में जितनी ड्राइंग्स बनाऊँ, जितनी भी बनाऊँ, वो मैं 2.1 mm से बनाऊँ और ये 2.1 mm मेरा डिफ़ॉल्ट हो जाए, मतलब ये कभी भी चेंज ना हो। आप लोगों ने लाइन वेट सेटिंग में जाना है, ओके, यहाँ से जो आपका डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन है, आपने डिफ़ॉल्ट का जो ऑप्शन है यहाँ से आप 2.1 mm सेलेक्ट करेंगे और ये हमेशा के लिए आपका 2.1 mm डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। ओके, प्रेस करके आप कमांड से बाहर आ जाएंगे। ओके, अच्छा, अब हम ज़रा सा इसका वेट चेंज करके देखते हैं कि यार पता चले कि ज़रा डिफ़ॉल्ट से नीचे आते हैं ना, ज़रा 0.0 पे आते हैं, तो ये फ़र्क अगर आपको बाकी लाइंस की निस्बत नज़र आ रहा हो तो ये लाइन बहुत ज़्यादा पतली हो गई है, जो रेड लाइन है ब्लू लाइन की निस्बत बहुत ज़्यादा इसका वेट पतला हो गया है। तो ये है एक्चुअली हमारे पास लाइन वेट। पर्सनली मैं आप लोगों को बताऊं, ये तीनों चीज़ें हैं ना, कलर्स, लाइन वेट और लाइन टाइप, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हमें लाइन वेट को चेंज करना पड़ता है, आप लोग इंशाल्लाह मेरे साथ साथ देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के नीचे कलर के नीचे लाइन वेट और उसके नीचे लाइन टाइप हमारे पास होती है। देखें, लाइन टाइप लिखा हुआ गया, लाइन वेट लिखा हुआ गया, लाइन कलर लिखा हुआ गया, ऑब्जेक्ट कलर लिखा हुआ गया। ओके, इसके नीचे भी हमारे पास आती है लाइन की टाइप्स, ये तो कुछ लिखी हुई है, कंटिन्यूस थोड़ी सी हैं, हेड एंड टू भी उस दिन में बाहर लाया था। अदर में जाते हुए जहाँ पर लोड करेंगे, ये देखें जी, ISO डैश डैश स्पेस लॉन्ग डैश डॉट, ये डबल डैश ट्रिप डॉट, ये आप देख सकते हैं सेंटर बॉर्डर, ये डॉट। अच्छा, इन ये तमाम की तमाम हमारे पास क्या है, ये लाइन की टाइप्स हैं, ट्रैक्स, फैंटम, ये हमारे पास बहुत सारी लाइन की टाइप्स हैं। ओके, अच्छा, आप सपोज करें मैंने जो डैश वाली लाइंस हैं, ये डैश वाली लाइन ये मैंने यूज़ करनी है, मैं कैसे यूज़ करूँगा, इस पर क्लिक करके ओके प्रेस करूँगा। ओके प्रेस किया तो ये डैश वाली लाइन, अच्छा, उस पर क्लिक करके मैंने ओके प्रेस किया तो ये डैश की लाइन ये आ गई, ACAT ISO 2W100, ये इसकी यहाँ पर ये पहुँच जा गई। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं सपोज करता हूँ कि यार मैं ये कहता हूँ कि जो मेरी रेड लाइन है, इसका पहले वेट सही कर लूँ। ओके, जो मेरी रेड लाइन है इसे आप लोग इसकी लाइन टाइप चेंज करो, वो पूछेगा कौन सी लाइन टाइप रखूँ, मैं कहता हूँ यार तुम यहाँ पे ACAT रख दो, आप एस्केप प्रेस करेंगे और ये देखें इसमें डैशेस वाली लाइन बन गई, डैशेस वाली लाइन बन गई। इसके बाद मैं कहता हूँ यार जो ब्लू लाइन है इसकी लाइन को चेंज करके हिडन टू कर लो, ये देखें जनाब, ये इसका हिडन टू आ गया इसका ये। ओके व्यूअर्स, ये चीज़ें थी हमारे पास, आप अंदर से देखें, यहाँ से बाय लेयर में, सॉरी, आप लाइन टाइप में जाएंगे, अदर में जाकर आपको जो चाहिए आप लोड करके ओके करके उसे बाहर ला सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें लाइन कलर, लाइन टाइप और लाइन वेट को चेंज करना सीखा, उनके यूजेस देखे। लेक्चर आपको पसंद आया होगा, व्यूअर्स चैनल को लाजम सब्सक्राइब करके जाइएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक देख जाया करें, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो व्यूअर्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।